राष्ट्रीय व नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में प्रदेश व रामपुर का नाम रोशन करने वाले बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए खेल प्रेमियों ने रामपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से हाल ही में नॉर्थ जोन सीनियर वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल व बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीतने वालों को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय व नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में प्रदेश व रामपुर का नाम रोशन करने वाले बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए खेल प्रेमियों ने रामपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें विशेष रूप से हाल ही में नॉर्थ जोन सीनियर वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पर बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीतने वालों को भी सम्मानित किया गया। नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में रामपुर क्षेत्र के 5 खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस तरह के आयोजन का मकसद युवाओं को नशे से दूर करते हुए खेलों के प्रति आकर्षित करना है। इसके साथ युवाओं को प्रेरणा मिले कि इन दूरदराज क्षेत्रों से संबंधित खिलाड़ियों ने विकट परिस्थितियों में भी मेडल हासिल किया है, तो वे इस मुकाम तक कैसे नहीं पहुँच सकते। बॉक्सिंग कोच तिलक शर्मा ने बताया कि रामपुर में बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जो बच्चे हाल ही में नॉर्थ जोन सीनियर वर्ग में मेडल लिया था, जिनमें नॉर्थ जोन के बेस्ट बॉक्सर और गोल्ड मेडल लिस्ट इन्हें भी सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में काफी प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन्हें तराशने के लिए संसाधनों का अभाव है, इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि साई का एक सब सेंटर रामपुर में हो, वहां पर अच्छे क्वालिफाइड कोच कोचिंग दे, ताकि बच्चे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकें। रामपुर में हमने एक सम्मान समारोह रखा था। अभी हमारे बच्चे जो नॉर्थ जोन खेल के आए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे बच्चों में। 5 लड़के जो है वहाँ चैंपियन बने, और जो बेस्ट बॉक्सर रहे नॉर्थ जोन चैंपियनशिप के, वो भी हमारे रामपुर क्षेत्र के रहे। और सुविधाओं के अभाव के कारण मैं चाहता हूँ कि रामपुर क्षेत्र में एक साई सब सेंटर खोला जाए, जिससे इन बच्चों को और सुविधा मिले और अच्छे पदक ये ला पाएं, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले पाएं, ताकि इन बच्चों को देखकर जो आने वाले बच्चे हैं, जूनियर बच्चे हैं, वो इनको देखकर इसमें खेल में आए, नशे से दूर रहें और इस खेल को और आगे बढ़ाएं, और इस क्षेत्र का नाम, हिमाचल का नाम, भारत का नाम विश्व में ऊंचा करें। राहुल ने बताया कि वे रामपुर उपमंडल के सबसे दुर्गम क्षेत्र कूट पंचायत के कुत्रू के रहने वाले हैं। विकट परिस्थितियों में उन्होंने कठिन परिश्रम कर बॉक्सिंग में आगे आए हैं। हाल ही में उन्होंने नॉर्थ जोन में बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र के छात्रों को, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिलती है, तो वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा सकते हैं। प्रतियोगिता हुई थी, मैं गोल्ड मेडल जीता, बेस्ट बॉक्सर भी रहा हूँ। तो हमें यहाँ प्रैक्टिस करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, कुछ फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, काफ़ी फैसिलिटी कोचेज वगैरह कुछ इक्विपमेंट भी नहीं है, फिर भी हम मेहनत करके प्रैक्टिस करके जैसे तैसे भी हम मेडल ले आ रहे हैं। तो हमें सरकार से थोड़ी दरख्वास्त है कि हमारे लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि हाल ही में आयोजित सीनियर वर्ग नॉर्थ जोन बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लिया है। इससे पहले उन्होंने सीनियर नेशनल में भी मेडल लिया है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मेडल लिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभा काफी है, लेकिन उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रामपुर में साई का सब सेंटर होना चाहिए, ताकि युवा इस ओर आकर्षित हो और वर्तमान में बढ़ते नशे से भी युवा दूर रह सके। जो हमारा क्लब है रामपुर का, उन्होंने नॉर्थ जोन पे सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें दो गोल्ड, जिसमें राहुल नेटू बेस्ट बॉक्सर और मेरा भी गोल्ड मेडल रहा है। इससे पहले सीनियर नेशनल में मेरा मेडल रहा है और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट। तो रामपुर का जो एक स्पोर्ट्स का करियर है वो बहुत सही है, जिससे जी बच्चों को नशे से मुक्त करवाया जा सकता है, क्योंकि हालांकि हम देख रहे हैं कि रामपुर में नशा भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो रामपुर में नशे से मुक्त करने के लिए बच्चों को स्पोर्ट्स एक काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे रामपुर क्षेत्र के बच्चे मतलब काफ़ी मेहनती है और स्पोर्ट्स में अच्छा नाम कमा सकते हैं, अगर उन्हें एक अच्छे लेवल पे मतलब फैसिलिटी दी जाए। अभी यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सब साई सेंटर खोल दिया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा डाइट शेड्यूल, अच्छी कोचिंग वगैरह मिले, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक बेहतर परफॉर्म करके हमारे रामपुर क्षेत्र का नाम मतलब चमका सके।
इसके अलावा मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि हमारे रामपुर क्षेत्र के बच्चे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है आपके नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट हैं। तो मैं